नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच में जीत दर्ज करके टीम इंडिया इस सीरीज में भी 2-1 से आगे हो गई है और साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने की उसकी उम्मीदें बरकरार हैं। इसी मैच के साथ साथ, इसी रिकॉर्ड के साथ साथ विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान भी बन गए हैं, नंबर एक कप्तान बन गए हैं। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच घर पर जीत लिए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि विराट कोहली के नाम दर्ज हुई है और उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व बहुत सारे महान कप्तानों को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल कोहली की कप्तानी में अभी तक देश में यानी कि भारत में हम 29 टेस्ट मैच खेले हैं और इन 29 टेस्ट मैच में 22 में हमें जीत हाथ लगी है। वहीं इससे पहले जो सबसे सफल टेस्ट कप्तान थे घर में, वो थे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 30 मैचों में कप्तानी की थी और उनकी कप्तानी में हम घर में 21 मैच जीते थे। तो क्योंकि कोहली 22 मैच जीत गए हैं, इसलिए घर पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले वो नंबर एक भारतीय कप्तान बन गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। उनके अलावा पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भारत में 20 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और 13 टेस्ट मैच जीते, 4 हारे 3 ड्रॉ रहे। सौरभ गांगुली ने बतौर कप्तान 21 टेस्ट मैच भारत में खेले, जिसमें 10 मैच हमने जीते और 3 हारे, जबकि 8 मैच ड्रॉ रहे। तो इस मामले में विराट कोहली ने सभी कप्तानों को पीछे छोड़ दिया है और सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑन द टॉप विराट कोहली पहुंच गए हैं, नंबर एक कप्तान बन गए हैं। विराट कोहली भारत की सरजमी पर टेस्ट मैच जिताने के मामले में। तो कैसी लगी ये स्टोरी बताइएगा जरूर, विराट की कप्तानी कैसी लगी ये बताइएगा जरूर, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।